गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह आपके हिंदी लेक्चर का लेक्चर वीडियो है, यह आपका हिंदी रीडर का बुक है। आज हम हिंदी रीडर बुक पढ़ेंगे, जिसमें हमने पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 शुरू किया था, जिसका नाम था स्वस्थ जीवन। हमने स्वस्थ जीवन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ाई किया था, यह आपका लेक्चर वीडियो नंबर 12 है और लेक्चर वीडियो 12 में आज हम स्वस्थ जीवन का आधा पूरा करने जा रहे हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण दांतों से चिपके रह जाते हैं, ये हमें पता है क्योंकि हमारे दांतों में भी बहुत सारे भोजन के कण चिपके रहते हैं। उन्हें टूथब्रश से भली भांति साफ करना आवश्यक है, अन्यथा वे सरकर दांतों में छेद बना देते हैं, जिससे दांतों में भयंकर दर्द हो सकता है। तो बच्चों, इसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें रोज़ सुबह ब्रश करना चाहिए और रोज़ रात में भी ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे खाने में जो हमारे दांत में खाने फंसे हुए हैं वो निकल जाए और हमारे दांत सड़े नहीं और हमें एक स्वस्थ दांत मिल सके। इसी प्रकार आंखों पर भी ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए और उन्हें साफ रुमाल या तौलिया से पोंछना चाहिए। हमें अपने आँखों पर भी ठंडे पानी से हमेशा मुँह पे ठंडा पानी फेंकते रहना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए और उसके बाद साफ रुमाल या तौलिए से उन्हें हल्का पोंछ लेना चाहिए। गंदे और बड़े हुए नाखूनों को भी काटना चाहिए ताकि उनमें मैल आदि ना बढ़े। गंदे नाखून यानी कि नाखून जब बढ़ जाते तो उसमें गंदगी तो फंसी जाती है, तो उन्हें भी नहीं बढ़े हुए रहने चाहिए, उन्हें भी काट देना चाहिए। इसके पश्चात हमें भोजन पर ध्यान देना चाहिए, इसके बाद हमें खाने पर भी ध्यान देना चाहिए, हमारा खाना भी साफ़ सुथरा, टाइम से टाइम हम लोग खाना खाएं, ये भी ज़रूरी है। साफ़ सुथरा भोजन भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, अभी बताया साफ़ सुथरा भोजन भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बासी एवं गंदा खाना भी हमें बीमार बना सकता है, बासी खाना नहीं खाना चाहिए और गंदा खाना भी नहीं खाना चाहिए, यानी कि जो खाना गंदगी में हो उसे कभी नहीं खाना चाहिए। व्यायाम भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, इसके लिए पीटी, योग, दौड़, खेल आदि का नियमित अभ्यास करना चाहिए। हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, हमें व्यायाम करना चाहिए यानी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या क्या आता है, पीटी, योग, दौड़, खेल आदि का नियमित अभ्यास करना चाहिए। यदि हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे टीवी आदि देखते रहे तो धीरे धीरे आलस और मोटापा हमें रोगी बना देंगे, अतः व्यायाम भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम रोज़ रोज़ बैठ कर टीवी देखें तो हमें आलस होगा और मोटापा होगा, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम बीमार हो जाते हैं या किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो हमें दुख होता है। अगर हम बीमार होते हैं और दूसरे बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो हमें अंदर से दुख होता है कि वो बीमार क्यों पड़ गया है। थोड़ी सी सावधानी रखने पर बीमारी आदि से बचा जा सकता है। तो ये सब हमारे स्वस्थ जीवन के नियम हैं, अगर हम इन सब का रोज़ पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। सो ये शब्दार्थ है, इन्हें आप याद कर लेंगे। शब्दार्थ में क्रियाएं मतलब काम, प्रकृति मतलब कुदरत, अनोखा विचित्र, उपहार भेंट, प्रतिदिन रोज, दुर्गंध बदबू, अन्यथा नहीं तो, पश्चात बाद में, नियमित नियम से, उपयोगी लाभदायक। तो आप इसे याद कर लोगे। अब है मौखिक प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका भी HW है। आप अपने अपने शरीर के कोई भी 10 अंगों के नाम बताइए, तो आप इसमें 10 अंगों के नाम लिखेंगे, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह। आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं इसके बारे में भी आप लिखेंगे। दांत किससे साफ करने चाहिए, ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी आप बना लोगे, इसे भी, सारे कल का आपका सबका होमवर्क है, कल हम इसका डिस्कस करेंगे, ये भी आप बनाओगे। तो कल का यहाँ तक आपका होमवर्क है और कल हम इसे डिस्कस करेंगे, इसके प्रश्नों उत्तर हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको होमवर्क में बना लेंगे। थैंक यू।